टू रमेश ब्लॉक ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं घूमने जा रहा हूँ खटखटी टू दीमापुर। इस ट्रेन से जा रहा हूँ क्योंकि ऑटो में जाने से 100 रुपये लगता है, तो ट्रेन में मतलब फ्री में भी चल जाता हूँ मैं, उसमें टिकट नहीं काटता हूँ, तो ऐसे ही घुस के चला जाता हूँ। तो यही ट्रेन है, तो इसी ट्रेन से जाऊँगा और मैंने टिकट भी नहीं लिया है क्योंकि थोड़ा सामने में 5 मिनट का रास्ता रोड है, यहाँ से 5 मिनट लगता है खटखटी से दीमापुर, 5 मिनट लगता है। तो 5 मिनट में तो कोई बात नहीं, टिकट लो या ना लो, तो मैंने टिकट नहीं लिया है। तो अभी गाड़ी 3:30 को यहाँ से गाड़ी चलेगी, तो मैं दीमापुर पहुँचाऊँगा 5 मिनट में। खटखटी स्टेशन बहुत छोटा स्टेशन है, तो मैं आपको जाके दिखाऊँगा। तो ये टीटी रहने वाला जगह है, टीटी चेयर पर टीटी बैठने वाला है, और ये मेरी पुराने का भी सामान है। और उस तरफ इस तरफ ये ट्रेन का उस तरफ में खटखटी स्टेशन है, तो मैं आपको जाके दिखा दूँगा कितना बड़ा स्टेशन है। तो चलिए, और ये देखिए इस तरफ में मालगाड़ी है और इस तरफ में पैसेंजर गाड़ी है, एक ही साथ में दो गाड़ी खड़ा हुआ है। देखिए मतलब ये हो गया मालगाड़ी और ये हो गया पैसेंजर, हम लोग जाने जिसमें अभी मैं जाऊँगा ये होगा। ये हो गया टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेते हैं। तो अभी कोई ट्रेन नहीं है इसीलिए यहाँ पर टिकट शिकट नहीं है, मतलब 3:30 को ये ट्रेन जाने वाला है, तो 3:30 को टिकट ऑन होगा। और ये बैठने वाला जगह है, यहाँ पर आप बैठ सकते हो ये वाला। तो थोड़ा बैठ लेता हूँ क्योंकि 3:30 को ट्रेन है, तो अभी टाइम हुआ है आपका 2:20, अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट में यहाँ पे मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और बारिश भी आने वाली है, बहुत बड़ा बारिश बाहर पे देंगे आप, बहुत बड़ा बारिश होने वाला है। तो मैं थोड़ा देर, एक खुशी की बात ये है कि जितना भी बड़ा बारिश आए लेकिन मैं भीजने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं छत के नीचे पे हूँ, तो जितना बड़ा बारिश आने से भी देखिए बहुत बड़ा बारिश होने वाला है। तो हल्का हल्का सा बारिश होने लग गई है यहाँ पर। और ये देखिए खटखटी स्टेशन है, और ये इतना लंबा ट्रेन देखिए, वहाँ देखिए कहाँ से बहुत लंबा है ट्रेन, कम से कम 30-35 डब्बा होंगे। देखिए वहाँ से लेकर एंडिंग से वहाँ इस तरफ से एंडिंग तक दिखाई नहीं देता है, मतलब इतना लंबा ट्रेन। खटखटी स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है दीमापुर के लिए, और यहाँ से ट्रेन छूट गई। देखिए आगे यही छोटा सा स्टेशन है यहाँ पर, और इस तरफ में देखिए ये स्टेशन है। बाय बाय, और चलिए। मैं दीमापुर पहुँच गया हूँ, ये दीमापुर का मतलब दीमापुर है ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब दीमापुर। और आगे का जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ब्रिज उस पार स्टेशन है। तो मैं दीमापुर पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट लगता है खटखटी से दीमापुर, 5 मिनट लगता है, तो मैं पहुँचने वाला हूँ। देखिए यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, जिस तरफ से आदमी लोग जा रहे हैं उसके ऊपर में, ब्रिज के ऊपर में लोग बैठे हुए देखिए। और वो रहा आगे रहा स्टेशन, ये देखिए ये रहा स्टेशन, स्टेशन का ब्रिज है ऊपर में, और यहाँ पर ट्रेन रुक जाएंगे तो मैं यहाँ से उतर के दीमापुर मार्केट चला जाऊँगा। ये देखिए तो यहाँ से रुक रहा है ट्रेन, ब्रेक मारने लग गए, तो चलिए रुक गया ट्रेन और मैं नाम के बस मार्केट चला गया। मैं फाइनली दीमापुर पहुँच गया, और ये दीमापुर के स्टेशन से मैं जा रहा हूँ। और इस तरफ देखिए जहाँ पर झंडा है वहाँ पर स्टेशन है, और इस तरफ मार्केट है जीसीबी का, उस तरफ में मार्केट है। तो मैं इससे नीचे से मार्केट जाऊँगा, इसके नीचे बगल में ज़्यादा दूर नहीं है। और ये रखा दीमापुर मार्केट, तो यहाँ पर जितना सारा जितना भी जो भी सामान है यहाँ पर मिलता है सस्ता दाम में। तो मैं मुझे यहाँ में थोड़ा कपड़ा लेना है, तो ये शू भी देख लेता हूँ। देखिए शू पूमा का शू है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। तो मैं फाइनली यहाँ में मार्केट करके मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत सारा सामान। और शाम का 7:30 हो गया, तो मुझे जल्दी जाना है क्योंकि लेट हो जाएगा, गाड़ी नहीं मिलेगा। तो मैं ऑटो में बैठ गया नागालैंड टू असम गेट में, 20 रुपये भाड़ा देके। तो वहाँ से मैं
ऑटो से जाऊंगा और उसके बाद में वहाँ से भी खटखटी से ऑटो से घर चला जाऊंगा। और ये जो आगे का गेट दिखाई दे रहा है वो गेट असम का गेट है और मैं असम का गेट पहुंचने वाला हूँ उससे उधर और 10 मिनट 15 मिनट लगेगा घर पहुंचने के लिए। और मैं पहुंच गया हूँ असम और यहाँ से फिर ऑटो में जाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ से मैं एक ऑटो ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और ये रहा मैं ऑटो में बैठ गया, तो ये रहा हम लोग का खटखटी एरिया। तो यहाँ से मैं नाम के अपना घर चला जाऊँगा। बहुत रात हो गया, 7:40 हो गया तब मुझे भी यहीं, और मैं घर पहुँच गया तो सेफ्टी पहुँच गया, कुछ नहीं है। तो मैंने सारा सामान लिया, बहुत कुछ लिया, कपड़ा सपड़ा लिया, ये शर्ट लिया, पेन लिया, चप्पल चप्पल कुछ सारा सामान ही लिया। लेकिन अभी क्या बताओ, ये चप्पल चप्पल लिया, शू भी लिया। तो चलते, बाय बाय।